हेलो नमस्कार, हम बात कर रहे हैं 25 मार्च के पहले एडिटोरियल की, द रेन ऑफ शिवराज, एक पॉलिटिकल आर्टिकल है। शिवराज सिंह एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश के और कमलनाथ सरकार गिर चुकी है, उसके बारे में ये आर्टिकल में डिस्कस करना है। आप अगर YouTube पर इसे देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए बात करते हैं द रेन ऑफ शिवराज। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया आर्टिकल है और बहुत कम यहाँ पे वोकैबुलरी की अगर बात करें तो बहुत कम वर्ड्स आपको मिलेंगे। रेन का मतलब शासन है, तो रेन ऑफ शिवराज का मतलब है शासन। किसका? शिवराज का, शिवराज चौहान का। अब यहाँ पे रेन से पहले दया लगाने का कारण ये है कि रेन के बाद ऑफ लगा के फिर एक और नाउन जोड़ रखा है। अगर आप पूछेंगे रेन से किसका शासन, कौन सा शासन, तो आपको आंसर आपको मिलेगा शिवराज सिंह चौहान का शासन, तो दया लग गया। तो दया हर उस नाउन से पहले लग सकता है जो नाउन डेफिनेट है। तो यहाँ डेफिनेट बनाने के लिए क्या किया है, ऑफ लगा के एक और नाउन से कनेक्ट कर दिया है, तो ये डेफिनेट हो गया, इस कारण से दय का प्रयोग किया गया। तो शिवराज सिंह चौहान का शासन। द बीजेपी गवर्नमेंट विल हैव टू मैनेज द चेंज्ड पॉलिटिकल डायनामिक्स इन एमपी। द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार को विल हैव टू, देखिए हैज़ टू हैव टू हो सकता है, हैड टू हो सकता है, विल हैव टू शैल हैव टू हो सकता है। अगर आप हैज़ टू हैव टू करते हैं तो ये अंडर कंपल्सन कोई भी काम करना पड़ता है प्रेजेंट में, उसके लिए हैज़ टू हैव टू का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट में कोई काम करना पड़ता था तो हैड टू का यूज़ करते हैं, और करना पड़ेगा तो उस स्थिति में विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो द बीजेपी गवर्नमेंट विल हैव टू, तो बीजेपी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा द चेंज्ड पॉलिटिकल डायनामिक्स इन एमपी। एमपी में, मध्य प्रदेश में, चेंज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, तो बदली हुई जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स का मतलब यहाँ पे समीकरण से है, वैसे डायनेमिक्स फिजिक्स का एक पार्ट भी होता है, फिजिक्स में इस बारे में पढ़ा जाता है, गति का अध्ययन इसमें किया जाता है, डायनेमिक्स गति किससे संबंधित, लेकिन यहाँ पे समीकरण से मतलब है। तो जो बदले हुए राजनीतिक समीकरण है मध्य प्रदेश में, तो ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स यहाँ पे नाउन हो गया, उसको एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई किया गया, तो चेंज्ड यहाँ पे वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि चेंज एक वर्ब है उसके साथ में इसको चेंज्ड किया गया, तो ये एडजेक्टिव बना दिया, तो वर्बल एडजेक्टिव हो गया, तो पास्ट पार्टिसिपल कहा हमने इसको। तो बदले हुए जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है मध्य प्रदेश में, उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। तो क्या लिखा गया इन दो लाइन्स के अंदर, कि बीजेपी सरकार को एमपी के अंदर जो बदले हुए राजनीतिक समीकरण है उसको मैनेज करना पड़ेगा। आगे देखिए, द भारतीय जनता पार्टी लीडर, तो बीजेपी के जो लीडर हैं शिवराज सिंह चौहान, हु वॉज स्वॉर्न इन, हु यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध जनरली उस शब्द से होगा जो शब्द उससे ठीक पहले होगा, और ऐसे स्थिति में इन शब्दों को कहा जाता है एंटेसिडेंट, पूर्वगामी शब्द, और वॉज का प्रयोग है इसलिए है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सिंगुलर है इसलिए वॉज है। अब ये पैसिव वॉइस बन गया है, स्वेयर की थर्ड फॉर्म दे रखी है स्वॉर्न, शपथ लेने को बोलते हैं, और याद रखिएगा स्वॉर्न के साथ में इन ही प्रेपोजिशन आपको साथ में मिलेगा, तो स्वॉर्न इन याद रखना आपको। तो जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है मध्य प्रदेश के, ऑन मंडे नाइट, सोमवार रात को, प्रूव्ड हिज मेजोरिटी। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, फिर शिवराज सिंह चौहान नाम बता दिया, उसके बाद थोड़ा सा परिचय दे दिया, इन्होंने मुख्यमंत्री तो शपथ ली है मंडे नाइट को, प्रूव्ड हिज मेजोरिटी, तो इन्होंने अपनी बहुमत सिद्ध किया। प्रूव्ड यहाँ पे सिद्ध करना, एक प्रूवन भी होता है, प्रूवन वैसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, अगर एडजेक्टिव फॉर्म की जरूरत पड़ती है तो प्रूवन यूज़ करते हैं, अगर वर्ब फॉर्म की जरूरत पड़ती है तो प्रूव्ड यूज़ करते हैं। उन्होंने सिद्ध किया है, क्या, बहुमत सिद्ध किया है इन द असेंबली, विधानसभा में, ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को। देखो जब भी डे के डे का नाम आता है, जैसे मंडे आया तो मंडे को पहले भी हमने ओन का प्रयोग किया, ऐसे ही ट्यूजडे आया, ट्यूजडे से पहले भी ओन लगा। एक बात और याद रखिएगा कि अगर मंडे नहीं आता यहाँ पे, केवल नाइट होता तो दो ऑप्शंस बनते हैं यहाँ पे, या तो इन द नाइट होता या एट नाइट होता, चूँकि यहाँ पे नाइट से पहले कुछ भी नहीं होता आर्टिकल वगैरह, तो एट नाइट हम लगा देते। इन द नाइट किसी विशेष नाइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो इन द नाइट भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मंडे दे दिया, इस कारण से ओन का प्रयोग यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक तीन चार लाइन्स में क्या पढ़ा आपने, कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर शिवराज सिंह चौहान, जो जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली मंडे नाइट को, उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध कर लिया असेंबली में ट्यूसडे को। दिस इज फोर्थ टर्म एज चीफ मिनिस्टर। अब ये कहना चाह रहा है कि दिस इज, यह है, हिज फोर्थ टर्म ही शिवराज सिंह चौहान के लिए है, फोर्थ टर्म चौथी बार मतलब ये हुआ है एज चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार ये आए हैं, तो मतलब फोर्थ टर्म है इनका चीफ मिनिस्टर के रूप में, आफ्टर थ्री कंजकेटिव टर्म्स, कंजकेटिव का मतलब लगातार है, सक्सेसिव यू कैन से, एक के बाद एक लगातार, तो ये कह रहा है आफ्टर थ्री कंजकेटिव टर्म्स, तो तीन लगातार बार मुख्यमंत्री बने रहने के बाद, तीन चौथा टर्म है ना, तो तीन कंजकेटिव टर्म्स थे, ही हैड लॉस्ट द इलेक्शन इन 2018, तो वो
तीन बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हेड लॉस्ट, वो हार गए थे द इलेक्शन चुनाव को इन 2018 2018 में। तो 2018 में वो चुनाव हारे, उससे पहले तीन बार लगातार मुख्यमंत्री रहे। तो यहाँ काम की बात कंजेकेटिव है, कंजेकेटिव का मतलब लगातार होता है। ही मस्टर्ड द सपोर्ट, मस्टर का मतलब जुटाना होता है, कलेक्ट करना होता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, द सपोर्ट ऑफ 112 MLAs। तो ये कह रहा है कि भी ही मस्टर्ड द सपोर्ट, उन्होंने जुटाया, क्या सपोर्ट जुटाया, ऑफ 112 MLAs, 112 विधायकों का। MLA का अगर प्लूरल बनाना है तो देखिए एस जुड़ा है, MLAs, कल के हमने नाउ देखा था कल के आर्टिकल में कि FIR का प्लूरल बनाया है तो FIRs बन जाता है। तो ये केवल एस जोड़ देंगे, जो भी एब्रेविएशन होता है तो उसके साथ एस जोड़ने से उसका बहुवचन बन जाता है। लेकिन कई बार देखते हैं आप अमेरिकन इंग्लिश में क्या, जैसे MLA लिखना है आपको तो इस प्रकार से फुल स्टॉप बीच में मिलेगा, इसका प्लूरल आप बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफ एस की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। अगर यहाँ बीच में फुल स्टॉप नहीं है तो सीधा एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं, जो भी एब्रिवेटेड फॉर्म्स हैं, संक्षिप्त रूप है उनका। तो ही मस्टर्ड, मस्टर का बता दिया मैंने जुटाना, तो ही मस्टर्ड द सपोर्ट ऑफ 112 MLAs, उन्होंने 112 MLAs का सपोर्ट यहाँ पे इकट्ठा किया, जुटाया फॉर द ट्रस्ट वोट, किसके लिए, विश्वास मत के लिए। ट्रस्ट वोट का मतलब विश्वास मत, विच वॉज हरीडली ऑर्गेनाइज, विच यहाँ पे ट्रस्ट वोट के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो वॉज ट्रस्ट वोट सिंगुलर, इस कारण से वॉज हरीडली यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे वर्ब है। तो जो कि आनन फानन में या बहुत जल्दीबाजी में ऑर्गेनाइज किया गया, ओवरनाइट का मतलब रातों रात। एंड वॉज मिस्ड बाय 92 कांग्रेस MLAs, और ये 92 कांग्रेस MLAs के द्वारा मिस कर दिया गया है ना। तो ये विश्वास मत की बात ही कर रहा है, वॉज मिस्ड, तो ये कांग्रेस के जो MLAs थे, जो 92 थे संख्या में, उनके द्वारा विश्वास मत यहाँ पे मिस कर दिया गया, ये प्राप्त नहीं कर पाए। एंड टू इंडिपेंडेंट्स, इंडिपेंडेंट्स का मतलब यहाँ निर्दलीय से है, तो 92 विधायक तो कांग्रेस के और दो निर्दलीय थे, तो इनके द्वारा विश्वास मत हासिल नहीं किया जा सका, ये मिस कर दिया गया, ये भी पैसिव वॉइस का था। तो रिपीट कर देता हूँ, ये शिवराज सिंह चौहान के लिए ही है। तो उन्होंने 112 MLAs का सपोर्ट हासिल किया ट्रस्ट वोट के लिए, जो कि आनन फानन में या बहुत जल्दीबाजी में ऑर्गेनाइज किया गया था रातों रात, और फिर ये 92 कांग्रेस MLAs और 2 इंडिपेंडेंट्स के द्वारा इसको मिस कर दिया गया, ठीक है। फिर देखिए 2 BSP MLAs, 2 BSP MLAs, 1 ऑफ द SP एंड 2 इंडिपेंडेंट्स हु वर अर्लियर सपोर्टिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट दैट कॉलेप्स्ड लास्ट वीक वोटेड इन फेवर ऑफ द ट्रस्ट वोट। अब देखिए ट्रस्ट वोट के फेवर में किस किसने, विश्वास मत के पक्ष में किस किसने वोट दिया, तो बता रखा है 2 BSP के विधायक थे, 1 ऑफ द SP विधायक में से एक ने, है ना, और एंड 2 इंडिपेंडेंट्स और 2 निर्दलियों ने हुवर, अब ये हु सबके लिए आ रहा है, ये 2, ये एक SP और एक ये 2 इंडिपेंडेंट्स, हुवर अर्लियर सपोर्टिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट, ये पहले, अर्लियर का मतलब समय में पहले के लिए आता है, इसका एंटोनिम करना होता है तो LATER का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो पहले यहाँ सपोर्ट कर रहे थे द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार को, दैट कॉलेप्स, दैट यहाँ पे कांग्रेस सरकार के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि गिर गई, कॉलेप्स का मतलब गिरना, धराशायी होना, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, वोटेड इन फेवर ऑफ द ट्रस्ट वोट। देखो लास्ट के साथ में जब आप वीक जोड़ते हैं, मंथ जोड़ते हैं, ईयर जोड़ते हैं, डे जोड़ते हैं, है ना, तो इनसे पहले जनरली 3 प्रेपोजिशन आप याद रखिए, इनके यूज़ की आवश्यकता नहीं होती, ऑन की जरूरत नहीं होती, ऐट की जरूरत नहीं होती, इन ऑन और ऐट नहीं लगाते हैं आप, सिंस लगा सकते हैं आवश्यकता अनुसार, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ रिक्वायर्ड हो तो, अदरवाइज इन ऑन और ऐट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक एरर संबंधी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या बोला कि 2 BSP विधायक हैं, एक SP विधायक है, 2 इंडिपेंडेंट्स हैं, जो कि पहले सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस गवर्नमेंट को, जो कि पिछले सप्ताह गिर गई सरकार, इन्होंने अभी यहाँ पे डेट से लेकर यहाँ तक का एक बताया आपको बात कि ये पिछले सप्ताह ये सरकार गिरी, ये सरकार की बात बीच में कर दी, अदरवाइज आप देखेंगे तो ये सब कुछ ये सब्जेक्ट हुआ था, है ना, ये तीनों सब्जेक्ट बन रहे हैं, इसको देखकर आगे जोड़ेंगे, वोटेड इन फेवर ऑफ द ट्रस्ट वोट, इन्होंने ट्रस्ट वोट के फेवर में वोट दिया, इन्होंने विश्वास मत के पक्ष में वोट दिया। मिस्टर चौहान हैज सेड द हिज गवर्नमेंट्स इमीडिएट फोकस, अब मिस्टर चौहान ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब देखिए अगर SSC के एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो जनरली क्या होता है कि सेड के बाद में दैट का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, यहाँ दैट होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, दैट की आवश्यकता नहीं पड़ रही आपको, क्योंकि इसमें यो मान लिया जाएगा कि ब्रैकेट के साथ में दैट है। कई बार क्या होता है कि आपको ये जो चीज़ जो अंडरस्टूड है उसको लिया नहीं जाता है, तो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी आप करते हो तो वहाँ पर एरर नहीं होता है,
तो मिस्टर चौहान ने यह कहा कि हिज गवर्नमेंट्स इमीडिएट फोकस, कि उनकी गवर्नमेंट का इमीडिएट फोकस मतलब अभी फिलहाल ध्यान, इमीडिएट का तुरंत होता है ना, तो अभी हाल फिलहाल ध्यान जो होगा वो किस पर होगा, वुड बी। अब ये एक चीज़ गलत दे रखी है यहाँ पे, इन नहीं होके ऑन होना चाहिए, कि फोकस के साथ में ऑन लगाते हैं कि ध्यान किस पर केंद्रित होगा तो फोकस साथ ऑन लगेगा, किस पर होगा टैकलिंग, चूंकि प्रेपोजिशन ऑन होना चाहिए था, ऑन प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा। टैकल करने पर टैकल क्या करना है, कोरोना वायरस क्राइसिस, इस संकट को, दैट इज टेस्टिंग द कैपेसिटी, जो कि अब यहाँ पे दैट क्या है, इस क्राइसिस के लिए है, जो कि इस क्राइसिस को दैट इज टेस्टिंग द कैपेसिटी, ये जो क्राइसिस है, ये जो संकट है कोरोना वायरस वाला, वो टेस्ट कर रहा है क्षमता को, एंड विल ऑफ द स्टेट, और स्टेट की इच्छा शक्ति को, विल का मतलब इच्छा होता है, तो इच्छा शक्ति को, कितनी क्षमता राज्य में है, कितनी इच्छा शक्ति के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ मुकाबला कर सकता है, इसको टेस्ट कर रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मिस्टर चौहान से लेकर और यहाँ स्टेट तक, तो मिस्टर चौहान ने कहा कि उनकी जो सरकार है उनका वर्तमान में फोकस क्या होगा, सबसे पहला फोकस होगा कोरोना वायरस क्राइसिस को टैकल करने पर, जो कि क्षमता को यहाँ टेस्ट कर रहा है और स्टेट की विल को टेस्ट कर रहा है। ही हैज ऑल्सो आस्ड ऑल MLAs, ही यहाँ शिवराज सिंह चौहान के लिए है, हैज ऑल्सो आस्ड ऑल MLAs, इन्होंने सभी MLAs से ये भी कहा है टू लीव फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब निर्वाचन क्षेत्र है, कि वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र जाएं, लीव का मतलब छोड़ना होता ना, लीव तो छोड़ना, तो यहाँ पे टू दे रखा है तो V0 तो लगेगा ही, लीव फोर का मतलब कहाँ के लिए जाना है, कहाँ के लिए स्थान छोड़कर जाना है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएं एंड टेक द लीड, टेक द लीड का मतलब है नेतृत्व करें इन मैनेजिंग द क्राइसिस, किस चीज़ के लिए नेतृत्व करना है इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, द क्राइसिस इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेट हो चुका है, इस कारण से द का प्रयोग है। तो हम रिपीट कर देते हैं कुछ चीज़ को, ही हैज़ ऑल्सो आस्ड ऑल MLAs, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने सभी विधायकों से कहा है अपने निर्वाचन क्षेत्र जाएं और नेतृत्व करें इस क्राइसिस को मैनेज करने में। The downfall of the Congress government was engineered by the resignation of 22 of its MLAs. Downfall का मतलब गिरना है, पतन है, किस चीज़ का डाउनफॉल है, तो आगे आपको पूरी कहानी दे रखी है, इस कारण से यहाँ पे देखिए द का प्रयोग होगा। डाउनफॉल से अगर आप पूछेंगे कि विच काइंड ऑफ डाउनफॉल इज दैट, तो आपको आंसर मिलेगा दिस इज द डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, तो यहाँ पे डेफिनेट बन गया इस कारण से द का प्रयोग। तो कांग्रेस गवर्नमेंट का जो डाउनफॉल है वॉज इंजीनियर्ड, इस डाउनफॉल को इंजीनियर किया गया, वॉज इंजीनियर्ड कर रखा है, तो ये बन गया है हेल्पिंग वर्ब के बी के साथ थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव। इंजीनियर का मतलब यहाँ पे कंस्पायर करना है, प्लॉट करना है, षड्यंत्र रचना है, तो ये जो पतन है कांग्रेस गवर्नमेंट का, इसका षड्यंत्र रचा गया था किसके द्वारा, बाय द रेजिग्नेशन ऑफ 22 ऑफ इट्स MLAs, इट्स यहाँ पे कांग्रेस के लिए पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो इसके जो 22 विधायकों के इस्तीफे का षड्यंत्र रचकर इसका डाउनफॉल यहाँ पे तय किया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट का। दीज एंड टू मोर सीट्स इन द 230 स्ट्रॉन्ग स्टेट असेंबली रिमेन वैकेंट, तो ये कह रहा है कि दीज का मतलब ये 22 सीट्स एंड टू मोर सीट्स और दो और मतलब 24 कुल मिलाकर इन द 230 स्ट्रॉन्ग स्टेट असेंबली मतलब 230 का एक स्ट्रॉन्ग स्टेट असेंबली है, वहाँ की विधानसभा 230 सदस्य हैं, उनमें से 22 तो बागी विधायक हो गए, दो MLAs हो गए, दो और MLAs हो गए, इनको मिलाकर 24 सीट जो हैं रिमेन वैकेंट, ये अभी भी सीट्स जो हैं वो अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। रिमेन इसलिए आ रहा है क्योंकि 24 हो गए, प्लूरल हो गया, तो ये खाली पड़ी हुई है ना। द एक्चुअल स्ट्रेंथ, जो वास्तविक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे संख्या से है, एक्चुअली यहाँ एडजेक्टिव हो गया, स्ट्रेंथ यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता, बताया था मैंने आपको। द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट विल बी टेस्टेड इन एंड आफ्टर द बाई इलेक्शंस टू दीज सीट्स, वास्तविक जो संख्या है गवर्नमेंट की, एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी होगी गवर्नमेंट की, विल बी टेस्टेड, इसकी टेस्ट होगी मतलब इसको टेस्ट किया जाएगा इन मतलब में, आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाई इलेक्शंस का मतलब उपचुनाव, तो या तो उपचुनाव में जांच हो जाएगी इस चीज़ की, या उपचुनाव के बाद जांच हो जाएगी टू दीज सीट्स। अब ये उपचुनाव किस चीज़ के हैं, इसके लिए देखो टू का प्रयोग है, तो इलेक्शन किस चीज़ पे होने वाले हैं, इलेक्शन मतलब किस सीट के लिए होने वाले हैं, उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं, तो इन सीट्स पर जो उपचुनाव होंगे उसमें जांचा जाएगा कि एक्चुअल स्ट्रेंथ गवर्नमेंट की क्या होगी। इट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट एडजेक्टिव है, क्वेश्चन नाउन है, ए का प्रयोग है, इसका मतलब नाउन यहाँ पे है, तो इट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, ये एक अलग सा प्रश्न है, वेदर द कांग्रेस कैन रीग्रुप, कि क्या कांग्रेस रीग्रुप कर सकती है, क्या कांग्रेस अपने आप को फिर से संगठित कर सकती है, इट सेल्फ मतलब अपने आप को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, एंड चैलेंज द गवर्नमेंट, और क्या गवर्नमेंट को चुनौती दे सकती है, तो ये एक अलग प्रकार का प्रश्न है कि क्या। अब देखिए प्रश्न अगर है तो कंजंक्शन आप वेदर लगा सकते हैं, क्योंकि आपने अगर नरेशन पढ़ा हो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेज में आप देखते हैं कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, उसी लिहाज से
वेदर का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो ये एक अलग प्रकार का प्रश्न है कि कांग्रेस अपने आप को रीग्रुप कर सकती है क्या और गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकती है क्या। आगे देखिए, विद द रिटर्न ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट इन एमपी, तो बीजेपी गवर्नमेंट के रिटर्न के साथ ही, विद का मतलब साथ, द रिटर्न का मतलब वापसी, अब द रिटर्न आ गया तो रिटर्न किसका है, तो बता रखा है बीजेपी गवर्नमेंट का, इस कारण से द का प्रयोग है। और जब भी आप कांग्रेस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ पे द का प्रयोग देखने को मिल ही रहा है आपको लगातार, तो इससे भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी कोई पार्टी प्लस गवर्नमेंट दे रखा हो तो द लगेगा, अगर पॉलिटिकल पार्टी का नाम है तो भी द लगेगा। तो विद द रिटर्न टू द बीजेपी गवर्नमेंट इन एमपी, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट के रिटर्न के साथ ही द पॉलिटिकल टर्न इन द स्टेट इन 2018 हैज़ बिन प्रूवन शॉर्ट लिव्ड। देखिए ये गलत दे रखा आपको, प्रूवन, प्रूवन आपको तब लगाना है जब आपको नाउन दे रखा हो आगे और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग कर रखा हो। तो दो चीज़ें बताई मैंने आपको, एक तो फोकस साथ में ऑन आना चाहिए, वहाँ पे इन यूज़ किया हुआ था, एक यहाँ पे प्रूवन के साथ, प्रूवन तब आएगा जब वर्बल एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट हो, जब पास्ट पार्टिसिपल आपको चाहिए हो, जब नाउन दे रखा हो, ठीक है, तो यहाँ इस कारण से प्रूवड आना चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं कि भाई द पॉलिटिकल टर्न इन द स्टेट, तो जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है स्टेट में 2018 हैज़ बीन प्रूव्ड शॉर्ट लिव्ड, वो मतलब सिद्ध हुई है, क्या सिद्ध हुई है, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या है, बहुत ही अल्पकालिक, बहुत कम समय के लिए रही, मतलब बीजेपी को अपदस्थ करके कांग्रेस का सत्ता में आना बहुत कम समय के लिए रहा, लगभग एक साल के करीब रहा। तो रिपीट कर देता हूँ इन दो तीन लाइनों को, विद द रिटर्न ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट इन एमपी, तो बीजेपी गवर्नमेंट का वापस से एमपी में रिटर्न होना, वापसी होना, उसके साथ ही जो पॉलिटिकल टर्न हुआ था स्टेट में 2018 में चुनाव हुए थे और कांग्रेस सत्ता में आई थी बीजेपी को हटाकर, ये मतलब सिद्ध हुआ कैसे, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड सिद्ध हुआ। अब ये देखो हैज़ बीन प्रूव्ड की क्या आवश्यकता पड़ी, पैसिव क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये कारण है, और किसी के द्वारा जब काम होता है तो पैसिव बनाते हैं आप, तो जब ये किसी के द्वारा काम हो रहा है सब्जेक्ट इससे पहले ना होके, ये यहाँ पे कारण बन रहा है, इस कारण से हैज़ बीन प्रूव्ड, पैसिव इस बना दिया। द पार्टी हैड फेस्ड अ सेटबैक, सेटबैक का मतलब भी फेलियर होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप, सेटबैक का मतलब होता है फेलियर, ये काफ़ी बार वर्ड यूज़ किया जाएगा एडिटोरियल्स में। तो पार्टी ने, अब ये पार्टी यहाँ पे हैड फेस्ड अ सेटबैक इन एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेयर इट लॉस्ट पावर टू द कांग्रेस बिफोर बाउंसिंग बैक इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन। अब ये सेटबैक हो गया फेलियर, और ये द पार्टी है तो बीजेपी के लिए है, तो बीजेपी ने हैड फेस्ड अ सेटबैक इन एमपी, इन्होंने हार का सामना किया, इनको सफलता मिली एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वेयर इट लॉस्ट पावर, जहां इन्होंने सत्ता खो दी, किसके सामने ये हारे, कांग्रेस पार्टी के सामने, और बिफोर बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक का मतलब फिर से सक्रिय हो जाना, फिर से जीत हासिल करना, फिर से सफलता हासिल करना, कोई व्यक्ति बीमार है और उसने फिर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लिया तो उसको बाउंस बैक कह सकते हो, आप असफल हुए हैं फिर सफलता प्राप्त की है तो बाउंसिंग बैक कह सकते हो। तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई थी, उसके बाद यहाँ पे एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में असेंबली इलेक्शन हार गई थी कांग्रेस के सामने, ठीक है। द कांग्रेस कुड नॉट सस्टेन इट्स गेन्स, गेन्स का मतलब लाभ की स्थिति, सस्टेन का मतलब कंटिन्यू रखना कह सकते हो, बनाए रखना कह सकते हो। तो कांग्रेस, अब ये कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है तो दे का प्रयोग है, तो कांग्रेस अपना जो लाभ की स्थिति थी वो बनाए नहीं रख सकी, वो सस्टेन नहीं रख सकी, तो कांग्रेस अपनी लाभ की स्थिति को सस्टेन नहीं रख सकी एंड हैज़ नाउ एंडेड अप लूजिंग अ गवर्नमेंट। और अब ये देखो कांग्रेस के लिए हैज़ दे रखा है, और अब जो है नाउ एंडेड अप, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अब इसका देखो एंड कैसे हुआ है कि इसने सरकार अपनी खो दी है, तो अप यहाँ पे प्रेपोजिशन इसलिए आईएनजी लग रहा है, लूजिंग, देखो इसको लूज बोलते हैं, एल ओ डबल एस अगर होता है तो इसको लॉस बोलते हैं, और एल डबल ओ एस ही होता है तो इसको लूज बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिए कैसे इसको पढ़ा जाता है। तो इसने अंत इसका इस प्रकार से हुआ है कि इसने अपनी सरकार खो दी है, बट इट गोज बियॉन्ड दैट, लेकिन ये जो चीज़ है वो मतलब इस यहीं तक नहीं रुकती है, इसके भी परे जाती है, बियॉन्ड का मतलब के परे, ये हमने पढ़ा है कल के एडिटोरियल में, हम डिस्कस किया कि बियॉन्ड का मतलब क्या है, के परे को बोलते हैं, लेकिन इट गोज़ बियॉन्ड दैट, लेकिन इससे भी परे ये स्थिति जाती है, मतलब कांग्रेस हार गई है वहाँ तक तो ठीक है, इससे भी परे इसके मायने हैं, एंड शोज द पार्टी एज अ वीक चैलेंजर टू द बीजेपी, और ये दिखाता है द पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए है, तो ये एक वीक चैलेंजर है, कांग्रेस पार्टी जो है एक वीक चैलेंजर है, मतलब बहुत ही कमजोर चैलेंज करने वाली पार्टी है, किसको, बीजेपी के सामने बहुत ही वीक चैलेंजर है। टू बिगिन विद, अगर शुरुआत की जाए, इसको थोड़ा सा इसको विस्तार दें इस बात को भी, वीक चैलेंजर कैसे है, तो द कांग्रेस विक्ट्री वॉज नेबुलस, नेबुलस का मतलब होता है नॉट क्लियर, अनक्लियर, वेग भी कह सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इस बारे में, सिनोनिम से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, सिनोनिम एंटोनिम।
तो इससे शुरुआत करें तो देखो, बीजेपी जो कांग्रेस की विक्ट्री थी, कांग्रेस की विजय थी, वो नॉट क्लियर, मतलब इतना क्लियर मेजोरिटी में नहीं आई थी सरकार, एंड नैरो इन एमपी, मतलब एक जीत जो थी वो नेबुलस थी और नैरो, बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी एमपी में, एंड इट्स फॉर्च्यून्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड बाई डिबिलिटेटिंग फैक्शनलिज्म विद इन। फैक्शनलिज्म का मतलब गुटवाद को बोलते हैं, और इसके जो फॉर्च्यून्स, फॉर्च्यून्स का मतलब जो कुछ भी अच्छा हुआ था कांग्रेस ने, मतलब जिस प्रकार सत्ता हासिल की, तो इसके जो फॉर्च्यून्स थे वर कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज समझौता करना होता, तो मतलब ये ताक पर रख दिए गए, इनको समझौता कर दिया बाय डिबिलिटेटिंग। डिबिलिटेट का मतलब होता कमज़ोर करना, वीकेनिंग यू कैन से। अब जो अंदर, मतलब पार्टी के अंदर एक गुट बन गए, जैसे कि आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इस प्रकार से पार्टी के भीतर ही, विदिन का मतलब उसी के भीतर, गुटवाद यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ जो गुटवाद है उसके द्वारा ताक पर रख दिए गए इसके फॉर्च्यून्स को, जो भी इसके हाथ सत्ता हासिल हुई थी उसको। तो रिपीट कर देता हूँ, तो शुरुआत करें अगर वीक चैलेंजर कैसे है, तो ये देखिए यहाँ दे रखा, कांग्रेस की विक्ट्री जो थी वो क्लियर नहीं थी, है ना, और बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी एमपी में, और इसके जो फॉर्च्यून्स थे, इसको जो भी हासिल हुआ था उसको मतलब ताक पर रख दिया गया, जो कमज़ोर होता हुआ गुटवाद था पार्टी के भीतर ही, इट कैन नॉट बी ए वाइबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव। वाइबल का मतलब व्यवहारिक को बोलते हैं, प्रैक्टिकल को बोलते हैं, तो यह नहीं हो सकती। अब वाइबल, वाइबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल इन ऑल्टरनेटिव राजनीतिक विकल्प, ऑल्टरनेटिव और एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है जो एक छोड़कर दूसरा, है ना, एकांतर क्रम में, जैसे ए बी सी डी ई, तो इसमें अगर ऑल्टरनेट की बात करेंगे आप, तो एक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो एक एक को छोड़ दिया मैंने, तो ये स्किप करते हुए चलेंगे, तो ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प है। ऑल्टरनेटिव किसका है, तो उसके लिए प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो ये एक वाइबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती बीजेपी का, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक व्यवहारिक रूप से एक विकल्प नहीं हो सकती बीजेपी का, अनलेस इट गेट्स इमेजिनेटिव इन बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड स्ट्रॉन्ग सोशल एंड क्लास कोलिशंस। कब तक नहीं हो सकती, अनलेस, यदि नहीं, तो ये कंडीशनल सेंटेंस दे दिया। इट यहाँ पे कांग्रेस के लिए है, गेट्स इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना, तो यदि ये अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, किस चीज़ में, इन बिल्डिंग बनाने में, इन प्रेपोजिशन लग गया इसका था ING। सस्टेनेबल का मतलब चलने योग्य या स्थायी, एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, सोशल मतलब सामाजिक, एंड क्लास कोलिशंस का मतलब जो सामाजिक और वर्ग आधारित जो गुट है उसको बनाने में, स्थायी गुट बनाने में अगर ये सफल नहीं होती है, उस कल्पना शक्ति का इस्तेमाल नहीं करती है, तो बीजेपी का एक ये वाइबल ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ तक क्या कहा गया कि कांग्रेस पार्टी है बीजेपी के सामने एक वाइबल ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती है, यदि ये अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल नहीं करती है स्थायी और मजबूत सामाजिक और क्लास आधारित कोलिशंस बनाने में। इन प्लेसेज वेयर इट हैज़ डन सो, उन स्थानों पर, इन प्लेसेज उन स्थानों पर, वेयर जहाँ पर, इट हैज डन सो, इट हैज़ डन सो, ऐसा इसने किया है, किसने किया है, कांग्रेस ने किया है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जहाँ जहाँ इसने ऐसा किया है, द पार्टी हैज़ बीन इफेक्टिव, वहाँ वहाँ पार्टी इफेक्टिव रही है। अब देखो हैज़ बीन इफेक्टिव, तो जब भी बीन के साथ सीधा आप एडजेक्टिव फॉर्म जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा रहा है, तो ये इफेक्टिव रही है इन इलेक्शन चुनाव में एंड गवर्नेंस और शासन में भी, इंक्लूडिंग इन नेबरिंग छत्तीसगढ़, जैसे कि आप बात कर छत्तीसगढ़ की, तो पड़ोसी छत्तीसगढ़ जैसे है वहाँ पे सफल रही है। तो जहाँ जहाँ जिन स्थानों पे उसने ऐसा किया है, मतलब क्या कैसा किया है, ऊपर वाली बात बताई ना, ये कोलिशंस बनाने में सफल रही है, वहाँ वहाँ पार्टी इलेक्शंस में अच्छा किया उसने, इफेक्टिव रही है और गवर्नेंस में अच्छी रही है, इन जिसमें शामिल है छत्तीसगढ़ राज्य। द एग्जिट ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हु हैज सिंस ज्वाइन द बीजेपी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जिट होना, इनका बाहर चले जाना, अब ये एग्जिट भी निश्चित हो गया, किसका एग्जिट, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जिट ऑफ लगा के दे रखा। तो ये कहानी समझ जाइए कि जब भी किसी नाउन के साथ प्रपोजिशन प्लस अनदर नाउन इज देयर, देन वी हैव टू कंसीडर द गिवन नाउन एज डेफिनेट एंड टू डिनोट द फैक्ट वी हैव टू अप्लाई आर्टिकल द। तो द एग्जिट ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एग्जिट हुआ, हु हैज सिंस ज्वाइन द बीजेपी, जिन्होंने, अब ये हु किसके, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, जिन्होंने जब से बीजेपी ज्वाइन किया है, सिंस आ रहा है मतलब जब से ज्वाइन किया, तो ये एक टाइम बता रहा है आपको कि जब से बीजेपी को ज्वाइन किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अब ये कुड एक्चुअली मतलब देखो, बीच में से अगर इस पार्ट को हटा देंगे तो आपको सीधा पता लग जाएगा, ये जो एग्जिट है कुड एक्चुअली बी यूज एज एन अपॉर्चुनिटी, ये मतलब एग्जिट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब जुड़ गई, एक्चुअली यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ये वास्तव में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कुड बी यूज पैसिव वॉइस है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है बाय द कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा टू प्रमोट बेटर रूटेड लीडर्स, किस किसके लिए,
मतलब बेटर रूटेड, जिनका जड़ें ज़्यादा अच्छी हैं, अच्छे तरीके से रूटेड लीडर्स हैं, जिनकी जड़ें मतलब काफ़ी गहराई तक हैं, उन लीडर्स को मौका दे सकते हैं, प्रमोट कर सकती है। फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड्स, डाइवर्स का मतलब अलग अलग सोशल बैकग्राउंड, सामाजिक जो बैकग्राउंड से पृष्ठभूमि है उनमें से। स्टेपिंग बियॉन्ड, स्टेप का मतलब कदम रखना, बियॉन्ड का मतलब के परे। डिलापिडेटिंग, डिलापिडेट का मतलब होता है नष्ट होना कह सकते हो, रुइन होना कह सकते हो, ठीक है, रुइनिंग। फ्यूडल का मतलब सामंतवाद होता है। फोर्ट्रेसेस का मतलब गढ़ किले, मतलब कांग्रेस की एक परिपाटी रही है कि सामंतवादी जो किले बनाए हैं इसने, उन नेताओं को चुना है जो काफ़ी राजशाही परिवार से थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात अब कर लीजिए तो राजशाही परिवार से इनका संबंध था, है ना, तो ये बड़े बड़े लोगों को मौका देती रही है। लेकिन अब मौका, अब ये आ गया है अपॉर्चुनिटी कि अब इस मौके को भुना सकती है कि बीजेपी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो अब एक पद खाली हुआ है, तो डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से ये नए नेताओं को निकाल सकती है, उनको प्रमोट कर सकती है। तो रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एग्जिट है, जिन्होंने जब से बीजेपी को ज्वाइन किया है, वो उन इस एग्जिट को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा, कि बेटर रूटेड लीडर्स को ये कांग्रेस प्रमोट कर सकती है जो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से होंगे, और कैसे कर सकती है, जो ख़त्म होता हुआ एक सामंतवादी जो एक सिस्टम है, राजशाही जो सिस्टम है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है कांग्रेस के अंदर, उसके परे स्टेप करते हुए, उसके अलग, उससे अलग चलते हुए, उससे अलग कदम रखते हुए। द बीजेपी इन द स्टेट विल ऑल्सो नीड टू अचीव अ न्यू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस है, यहाँ पे संतुलन है, ठीक है। तो ये कह रहा है बीजेपी इन द स्टेट, तो इस राज्य में, स्टेट कौन सा है, एमपी, बीजेपी मध्य प्रदेश में, विल ऑल्सो नीड, इसको जरूरत पड़ेगी टू अचीव अ न्यू इक्विलिब्रियम, के जरूरत पड़ेगी एक नया संतुलन स्थापित करने की, एक नया बैलेंस लाने की। नाउ डिसरप्टेड विद द एंट्री ऑफ मिस्टर सिंधिया, जो कि अब डिसरप्ट हो चुका है। डिसरप्ट का मतलब है डिस्टर्ब होना, व्यथित होना, मतलब विचलित हो जाना, एकदम डिस्टर्बेंस आ जाना, जो कि फिलहाल जो एक संतुलन बना हुआ था पार्टी में मिस्टर सिंधिया की एंट्री से, वो एकदम डिसरप्ट हो चुका है। अब ये डिसरप्ट इसलिए हुआ क्योंकि देखो बहुत बड़े कद के नेता हैं, तो इनको उनके अनुसार एक, उनकी छवि के अनुसार एक पद उनको देना पड़ेगा, तो संतुलन बिगड़ गया। मिस्टर चौहान हैज़ इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, मिस्टर चौहान जो है एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में इमर्ज हुए, इमर्ज का मतलब उभर कर आना, बट देर आर अदर्स, लेकिन अभी और लोग भी हैं वेटिंग इन द विंग्स टू, इन द विंग्स, विंग्स का मतलब यहाँ पे जो उनके क्षेत्र हैं, उनके जो विभाग हैं कह सकते हो, उनकी जो पार्टी हैं उसमें अलग अलग और नेता भी हैं। टू का मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेस डालने के लिए है कि उनमें और भी हैं। द चेंज ऑफ गार्ड, चेंज ऑफ गार्ड का मतलब यहाँ पे संतरी चेंज हुआ है, मतलब मुख्यमंत्री चेंज हुआ है इन एमपी, एमपी के अंदर ये चेंज ऑफ गार्ड तो हमने पढ़ा है परसों के एडिटोरियल में शायद। तो चेंज ऑफ गार्ड जो हुआ है एमपी में विल अनसेटल एग्जिस्टिंग इक्वेशंस, वो मतलब अनसेटल करेगा एग्जिस्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन का समीकरण, एग्जिस्टिंग का मतलब जो फिलहाल अस्तित्व में है, अनसेटल का मतलब उन इक्वेशंस को जो समीकरण फिलहाल बने हुए हैं उनको बिल्कुल अलग कर देगा, अनसेटल कर देगा, है ना, वो समीकरण बदल देगा। तो जो चेंज ऑफ गार्ड एमपी में हुआ है, एमपी मुख्यमंत्री नए आ गए हैं, तो ये जो चीज़ है वो एग्जिस्टिंग इक्वेशंस है, फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है उनको चेंज कर देगा इन बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज में, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी, बोथ का मतलब दोनों। बियॉन्ड स्टेट बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज के परे, ठीक है, राज्य की सीमाओं के परे, राज्य की सीमाओं के परे का मतलब अब यहाँ पे राज्य, इस राज्य के अलावा भी और चीज़ें भी हो सकती है, दोनों पार्टीज कुछ अलग करें कोशिश, क्योंकि बीजेपी ने अगर यहाँ ऐसा किया है कर्नाटका में, पिछले देखा आपने पिछली बार ऐसा किया था, तो ये और राज्यों में भी ऐसा करने की संभावना रखती है। तो ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, ठीक है, और यहाँ पे केवल स्थितियों को एनालाइज करने का प्रयास है और कुछ भी, किसी के पक्ष किसी के विपक्ष में लेखक कुछ बोल नहीं रहा है, कोई क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, केवल कांग्रेस और बीजेपी की जो स्थितियां हैं किस प्रकार से वहाँ बदल रही हैं समीकरण, उसके बारे में बात की गई है। तो एनालिटिकल एक लेख आप कह सकते हो या एक डिस्क्रिप्टिव कह सकते हो, वर्णनात्मक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करें कि इसके साथ एक कुछ क्वेश्चंस हैं आज सिनोनिम्स के, तो उनकी बात कर लेते हैं।